सो फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसा स्टॉक्स के बारे में जो कि एक साल में आपका पोर्टफोलियो को या फिर आपका पैसे को तीन गुना करके दिया। फ्रेंड, तीन गुना करके दिया एक साल के अंदर अंदर आपका पैसे को। अगर 1 लाख रुपया आप एक साल पहले रखा होता था तो आज वो 3 लाख रुपया होता था उसका वैल्यू। 1 लाख को 3 लाख करके दिया एक साल में। ऐसा स्टॉक्स का, इतना प्रॉफिटेबल, इतना हाई रिटर्न देने वाला स्टॉक्स को मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं। तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो। पिछले एक महीने में ना फ्रेंड 56% का रिटर्न दिया, 56% का। तो ऐसा स्टॉक्स को मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ, मेरा सपोर्ट में जरूर। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखो फ्रेंड। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया ना तो यार लाइक मारो। अगर मैं कुछ गलत कहा ना तो कमेंट में गालियां देके जाना और चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाना मेरा फ्रेंड। गलत नहीं कह रहा हूं, जो सच्चाई है सच्चाई बताऊंगा मैं आज आपको। ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए ऐसा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं। आप बोलोगे कि हाँ एक साल में 3 गुना रिटर्न दे रहा है, ऐसा स्टॉक्स में भी हम इन्वेस्ट ना करें तो कैसा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें, कैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो आज का वीडियो है, मैं यही सब कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम चला जाएंगे उस स्टॉक्स में। वो स्टॉक्स का नाम है फ्रेंड सुजलॉन एनर्जी। तो हम सिंपली सुजलॉन एनर्जी के अंदर चला जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेंगे सुजलॉन एनर्जी, सुजलॉन। सो फ्रेंड, आप देख सकते हो सुजलॉन एनर्जी के अंदर हम आ गया। अभी फिलहाल तो चल रहा है ये स्टॉक्स 17 रुपये में, 17 रुपया 40 पैसा में चल रहा है। तो आज तो रिटर्न कुछ दे नहीं पाया। पिछले एक साल का, पिछले एक वीक का देखेंगे हम, एक वीक का चार्ट में क्या दिया। आयो 22% का रिटर्न मेरा फ्रेंड। पिछले एक वीक में, एक हफ्ते में, 7 दिन के अंदर अंदर 22% का रिटर्न दिया फ्रेंड। किसी भी स्टॉक्स नहीं देता है आपको, तो ऐसा स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट ना करूं। तो आगे वीडियो में बने रहो, आपको बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। शुरू से लेकर एंड तक बने रहो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। हवा हवा वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं, ऐसे ही नहीं बना रहा हूं, किसी को एक्सपोज ऐसे ही नहीं कर रहा हूं। आप देख सकते हो ये एक साल में वो कितना रिटर्न दिया, कितना रुपये का स्टॉक्स था, 5 रुपये का स्टॉक्स था। आप देख सकते हो 6 रुपया 5 रुपये का स्टॉक्स था। ये देखो 5 रुपये का स्टॉक है, 5 रुपये का स्टॉक 17 रुपये चला गया एक साल के अंदर अंदर। तो कितना रिटर्न दिया भाई, 300 से भी प्लस, 300 से भी ज्यादा परसेंट दिया। 1 लाख को 3 लाख से भी ऊपर लेके गया। ऐसे स्टॉक्स को मैं एक्सपोज करने वाला हूं फ्रेंड। तो वीडियो में बने रहना पड़ेगा आपको। तो पसीना पसीना ही हो रहा है, बहुत गर्मी है आज तो। सो फ्रेंड, सिंपली आप देख सकते हो एक साल में इतना रिटर्न दिया। एक महीने का देखेंगे, चलो एक महीने में 56.76 यानी कि 57% का रिटर्न दिया एक महीने के अंदर अंदर। कौन सा स्टॉक देता है भाई आपको, कौन सा स्टॉक आपको देता है एक महीने के अंदर अंदर 57% का रिटर्न भाई। तो 5 इयर्स का बात करेंगे हम, 5 इयर्स में 150% का रिटर्न दिया। तो 5 इयर्स में ज्यादा रिटर्न दे नहीं पाया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये जो मार्केट ग्रो किया ना एक महीने के अंदर अंदर ही ग्रो किया, ऐसा आप बोल सकते हो। तो वो बड़ा बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स क्या किया मेरे भाई, लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिंपली ऑल में जाएंगे, ऑल सिलेक्ट कर लेंगे। अभी आप लॉन्ग टर्म देख सकते हो फ्रेंड। ये स्टॉक्स 2007 में 326 रुपये का था, 2007 के अंदर अंदर ये स्टॉक्स 326 रुपये था। और फिर 2008 में ये स्टॉक आ गया 37 रुपीज़ में। आप देख सकते हो फ्रेंड 2008 में ये स्टॉक आ गया 37 रुपीज़ में। और थोड़ा सा इधर उधर करेंगे ना फ्रेंड, तो ये स्टॉक देखो 2012 में आ गया 7 रुपये में, 17 22 20 ये 13 2 रुपये में भी आया था ये स्टॉक्स, आपको दिखाने वाला हूँ मैं। ये 5 रुपये में आया था 2013 में, फिर ये देखो 2 रुपये में रन किया ये स्टॉक्स। तो इस स्टॉक्स को क्या आप ये स्टॉक्स के ऊपर भरोसा कर सकते हो, बिल्कुल नहीं फ्रेंड। जो इतना आप देख सकते हो, ये क्या चार्ट हुआ क्या, ये किसी भी प्रकार का चार्ट है क्या। न्यूज में हम चला गया, न्यूज तो बहुत फैला हुआ है इसके ऊपर। तो इवेंट में हम चला जाएंगे, इवेंट आप देख सकते हो। डिविडेंड का तो कुछ नामो निशान नहीं है, खाली बोर्ड मीटिंग ही हो रहा है इस स्टॉक्स के अंदर फ्रेंड। तो यहाँ पे ओवरव्यू में हम सिंपली चला जाएंगे, ओवरव्यू में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। क्या ये इसको देख के आप क्या, ये देखो आप बीड में देखो, मार्केट डेप्थ में आप जा सकते हो। बायर्स भर के पड़ा हुआ है, पर सॉरी सेलर्स भर के पड़ा हुआ है, भर के सेलर्स क्वांटिटी में सेल कर रहे और बायर्स कोई है ही नहीं। आप देख सकते हो बायर सब 0000 है, तो थोड़ा बहुत रिक्स ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट का वो, चलो हम मार्केट कैप का बात करेंगे। मार्केट कैप है 19,774, ये हिंदी में ना मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत होता है, 19,754 करोड़ इसका नेटवर्थ है। तो आरओई का बात करेंगे, रेट ऑफ इक्विटी ना है, ये नहीं ना यानी कि नहीं। क्या रेट ऑफ इक्विटी नहीं है, इसका क्या मतलब, आपका जो स्टॉक्स है वो एक साल में 3 गुना रिटर्न दे रहा है, पैसे को 3 डबल करके दे रहा है, रेट ऑफ इक्विटी कुछ ही नहीं। तो इसलिए बोलता हूँ वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखो फ्रेंड। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगता है लाइक मारो। तो पीवी रेशियो क्या है भाई, 16 पीवी रेशियो है 16 यानी क्या, ये जो स्टॉक्स है अपना जो मेन वैल्यू है, वैल्यू से 16 गुना ऊपर चला गया। ये स्टॉक्स को 16 गुना कम होना चाहिए था अपना जो वैल्यू है, मतलब 17 रुपए का 16 गुना कम। तो पीवी रेशियो आपको सिंपली समझना है, पी रेशियो देख सकते हो 7 है, 6.93 यानी कि 7। तो पीवी रेशियो 7 में इन्वेस्ट करना एक सही बात होता है, लेकिन दूसरा कुछ भी है, दूसरा कुछ है जिसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो देखो आप सिंपली समझो चीजों को, डेप्थ एंड इक्विटी यानी कि कर्जा, कर्जा है 1.2%
2% कर्जा बोले तो बहुत होता है फ्रेंड, कर्जा जीरो या लगभग जीरो के आसपास होना चाहिए या फिर एक के नीचे होना चाहिए, तो ये 2.5% मतलब बहुत कर्जा लेके रखा है फ्रेंड। कल को कंपनी दिवालिया हो गया तो कर्जा ही नहीं चुका पाएगा, आपका पैसा कहाँ से देगा, आपको डिविडेंड कहाँ से देगा। तो सिंपली उसका ऊपर हम सिंपली देखेंगे इंडस्ट्रियल पी है 27 बोले तो ठीक ठाक नहीं है, मतलब इंडस्ट्रियल पी बहुत ही हाई है। तो अभी हम सिंपली जाएंगे फेस वैल्यू में, फेस वैल्यू है 2, फेस वैल्यू है भाई साहब 2, और फेस वैल्यू से अगर हम स्टॉक्स का कंपेयर करें स्टॉक प्राइस का, स्टॉक प्राइस है 17, तो स्टॉक प्राइस बहुत ही हाई है। और अभी हम देखेंगे बुक वैल्यू का, बुक वैल्यू है 1.9 यानी कि 1, अगर हम बुक वैल्यू से स्टॉक्स प्राइस का कंपेयर करेंगे तो बुक वैल्यू यहाँ पे 2 या 3 में होना चाहिए था, बुक वैल्यू 1.9 है, इसका मतलब स्टॉक प्राइस को 2 या 3, 4, 5 के अंदर होना चाहिए था, ये बहुत ही ऊपर चला गया, मतलब ओवर वैल्यू में चला गया। 17 रुपया सूच लोन एनर्जी के लिए ओवर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, ये जो मार्केट प्राइस है ना ओवर वैल्यू में चला गया। मैं ये एक्सपोज क्यों कर रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे बिना मुझसे सलाह लिए वो चला गया सूच लोन एनर्जी के ऊपर और मोटा पैसा नुकसान करके आ गया। 5 दिन में फ्रेंड, 5 दिन में उसने कितना प्रॉफिट किया था, 5 दिन में प्रॉफिट किया था उसने 37,000 का, और उसके अगले 2 दिन में 1 हफ्ते में उसका पूरा 20,000 रुपया लॉस हो गया। तो सूच लोन एनर्जी कुछ ऐसा रिटर्न देता है फ्रेंड, तो हम सिंपली अभी उसके ऊपर देखेंगे। डिविडेंड तो ना ही देता है, क्या ही देगा डिविडेंड, ये स्टॉक्स ऐसा वाला स्टॉक्स कभी डिविडेंड वाला दे सकता है क्या, प्रॉफिट ही नहीं है उसके अंदर, उसकी स्टॉक प्राइस तो देखो क्या कुछ भी। हाँ, उसके आगे चला जाएंगे तो ईपीएस है 2.64 TTM, तो है ठीक ठाक है, ईपीएस को आप ठीक ठाक बोल सकते हैं। तो हम सिंपली थोड़ा सा नीचे आएंगे, अभी ईयरली सिलेक्ट करना है, मैं आपको हमेशा बोला अभी ईयरली आप रेवेन्यू देख सकते हो, ईयरली रेवेन्यू ऐसा वाला ग्राफ में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऐसा वाला ग्राफ जो बराबर होता है वो है तो ठीक ठाक, पर इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं रिस्की होता है, ईयरली प्रॉफिट देखेंगे। तो ऐसा वाला कंपनी में कभी कोई वाला इन्वेस्ट करता है क्या, 2019 में मतलब हाँ 2019 में 1,527 करोड़ का नुकसान, 2020 में 2,642 करोड़ का नुकसान, 2021 में 104 करोड़ का प्रॉफिट ना के बराबर, 2022 में 200 करोड़ का नुकसान। अभी हम सिंपली 2023 का बात करेंगे, 2,849 करोड़ का प्रॉफिट, तो है कुछ ठाक है ठीक ठाक, आप बोल सकते हो चलता है ऐसा नहीं क्या। तो अभी उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ईयरली अपना नेटवर्थ भी देख लेंगे, नेटवर्थ भी आप देखो ऐसा ही है ग्राफ। तो क्या है इस कंपनी में एनर्जी इन्वेस्ट करके क्या को अपना पैसे को जोखिम में डाल रहे हो, तो है कुछ ऐसा ही। अभी सिंपली आपको हमें ये देख लूंगा अबाउट कंपनी, कंपनी का वो CEO कौन है, MD एंड CEO तुलसी तांती ऐसा कुछ नाम का कंपनी का CEO है। तो फाउंडेड इन 1997 में ये कंपनी फाउंडेड हुआ है जैसा कि आप जानते ही हो। तो NSE सिंबल है सुजलन, आप सिंपली देख सकते हो NSE सिंबल सुजलन है। तो सुजलन एनर्जी लिमिटेड कायका लिमिटेड तो प्राइवेट कंपनी है, अच्छा ठीक ठाक था, लिमिटेड में क्यों आया। तो हम सिंपली शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे, रिटेल इन्वेस्टर रिटेल ट्रेडर आप देखो भर भर के स्टॉक्स के अंदर है, 73% रिटेल ट्रेडर का इन्वेस्टमेंट है, प्रोमोटर्स ने जो कि नहीं है कुछ भी 14% क्या ये क्या मजाक हो रहा है क्या, 14.50 यानी कि 14.5% ये क्या। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन आप देख सकते हो 6.6, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 5.47, म्यूचुअल फंड 0.08%। ये म्यूचुअल फंड ना इन्वेस्टिंग करने का बहुत अच्छा इंडिकेटर है, आप इसको इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हो। किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, आपको खाली सिंपली वहाँ पे देखना है कि म्यूचुअल फंड ने कितना इन्वेस्ट करके रखा है फ्रेंड। म्यूचुअल फंड ने अगर 5-10, 7-8% इन्वेस्ट किया तो आप वैसे वाला कंपनी में हमेशा इन्वेस्ट करो। अगर म्यूचुअल फंड में उस स्टॉक्स के अंदर नहीं घुसा तो आप भी मत घुसो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो एक्सपर्ट लोग बैठा है ना वो लोग इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि ये स्टॉक कहीं ना कहीं रिस्की है इन्वेस्ट करना, ये स्टॉक कहीं ना कहीं नीचे ही जाएगा इन फ्यूचर, तो इसलिए फिर भी करो अपना मन मुताबिक जो भी करना है। उसके बाद देखो आप सिंपली देख ही सकते हो म्यूचुअल फंड कौन कौन है वो देख के क्या हम क्या ही कर लेंगे। तो सुजलोन एनर्जी का कुछ ग्राफ ऐसा है, 5 साल का कुछ ग्राफ ऐसा है, आप देख सकते हो 1 साल का कुछ ग्राफ ऐसा है, 1 महीने का कुछ ग्राफ ऐसा है। अभी ट्रेडिंग तो करो ही मत इसके ऊपर, इसके सुजलोन एनर्जी के ऊपर ट्रेडिंग तो करो ही मत, क्योंकि ट्रेडिंग करने से क्या होगा, मैं सिंपली आपको कंपनी का डे अपना अंदर लेके जाता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देख सकते हो इन लिक्विडिटी स्टॉक्स, आप देख सकते हो टाइम फ्रेम सिलेक्टेड है 10 मिनट का, फिर भी इन लिक्विडिटी दिखा रहा है। अगर आपने एक दो मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया तो आपको लिक्विडिटी दिखेगा ही नहीं कुछ, आप सिंपली देख सकते हो। मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया, कहा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कुछ है ही नहीं भाई। आप देखो कितना इन लिक्विडिटी स्टॉक्स है, कितना इन लिक्विडिटी आप देख सकते हो सिंपली सीरियस। तो आप देखो ऐसा वाला कंपनी में कोई ट्रेडिंग करता है क्या वाला, मत करो ट्रेडिंग, फंस जाओगे, क्योंकि ये स्टॉक्स इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। आप देख सकते हो इन लिक्विडिटी में भरा हुआ है,
तो सिंपली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए यार लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मैंने कुछ गलत बताया ना तो कमेंट में गालियां लिख के जाना, मैं 100% आपको प्रोमोट परमिशन दे रहा हूँ। कमेंट में गालियां आप लिख सकते हो अगर मैं कुछ गलत बताया, लेकिन आपको ये एक्सपोज करना पड़ेगा कि मैं कौन सा चीज गलत बताया। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बाजू वाला नोटिफिकेशन बिल ऑन कर दो। ऐसा वाला कंपनी में आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है फ्रेंड, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। आप इसको नेगेटिव तरह से मत लो, क्योंकि आप अगर आप इसको नेगेटिव तरह से लोगे ना तो आप सीख ही नहीं पाओगे कभी इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग। तो ऐसा ही ट्रेडिंग रिलेटेड इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बाजू वाला घंटी नोटिफिकेशन बेल ऑन रखो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही था, और क्या, बस बाय बाय।